सीएम ने शुरू किया गेहूं क्रय केंद्रों से बिचौलियों के खात्मे का अभियान। शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं खरीदने पर उतरा चोट। गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी पर डीएम ने कराया एफआईआर दर्ज। चिलुआताल क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। थाना समाधान दिवस का आईजी ने किया निरीक्षण, कहा सुचारू रूप से हो रहा है जनता का समाधान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्टीयरिंग कमेटी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। बाढ़ से बचाव और राहत आपूर्ति के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए दिए निर्देश। उग्र हुए रोडवेज कर्मी, मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 अप्रैल की मध्यरात्रि से काम होगा बंद। चक्का जाम कर जाएंगे हड़ताल पर। जल जमाव और जल जनित बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए नगर आयुक्त ने नालों की साफ सफाई संबंधी अधिकारियों के साथ की बैठक। गीतांजलि यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पंचायत बोर्ड की बैठक। विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर किया गया चर्चा। बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक। महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की गई चर्चा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया शिविर, लोगों को दी जानकारी। कुसमी के पास मिला हिरण का शव, जिलाधिकारी ने बताया पोस्टमार्टम के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क में संपन्न हुई कुशीनगर से निकाली गई बुद्ध से कबीर तक की पदयात्रा।